सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचंड विजय का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जिनके नेतृत्व में संगठन ने रणनीति तैयार करके इस चुनाव को प्रभावी ढंग से लड़ा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी को इसका श्रेय तो जाता ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने और आप सब ने मिलकर के जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर लग करके एक एक प्रत्याशी को जिताने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जीत के बाद हम सब की जो पारी प्रारंभ होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक तो हम लोग इस बारे में लगते थे कि हम लोग प्रयास करेंगे कि पार्टी जीते, हमारा प्रत्याशी जीते। 403 में से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने जीती। अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है कि जिस आशा और आकांक्षा के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जिस जवाबदेही के साथ हम सबको कार्य करना है, उस पारी की शुरुआत हो चुकी है और उसमें गोरक्ष प्रांत को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय हमारे संसदीय बोर्ड ने उत्तर प्रदेश में सरकार का नेतृत्व मुझे दिया है। स्वाभाविक रूप से गोरक्ष प्रांत का एक एक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में एक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। अपनी इस जवाबदेही के प्रति गोरक्ष प्रांत को बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा और इसीलिए मैंने सबसे पहला कार्यक्रम गोरक्ष प्रांत का ही बनाया है, क्योंकि चुनाव के बीच में एक बार जब लगा कि हम लोगों की पूरी पारी लड़खड़ा रही है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फोन किया, कहा कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में हूं और मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कल तो मेरे कार्यक्रम है सुबह से लेकर शाम तक। उन्होंने कहा कितने बजे तक। मैंने कहा शाम 6 बजे मेरा अंतिम सम्मेलन है। उन्होंने कहा ठीक 6 बजे वहां एक चार्टर्ड पहुंचेगा, आप उसके साथ आ जाइए। ठीक 6 बजे यहां एक स्पेशल चार्टर्ड पहुंचा, मैं उससे दिल्ली गया। उन्होंने कहा योगी जी चाहे जो भी हो, कितनी सीटें गोरक्ष प्रांत में हैं। मैंने कहा गोरक्ष प्रांत में सीटें हैं 62। उन्होंने कहा मैं एक सीमा दे रहा हूं कि 40 से कम किसी भी स्थिति में न हो, ये आप जानिए और आपको यह तय करना है, संगठन के साथ रणनीति तैयार करनी है और मैं गोरखपुर आ रहा हूं परसों। सज्जनों, मैं धन्यवाद दूंगा उपेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के 40 से आगे बढ़कर के 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली हैं। स्वाभाविक रूप से हम जहां कमजोर हैं, किन कारणों से कमजोर हैं, अब यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस कमजोरी से हम कैसे उभारें और उस दिशा आप सबका सहयोग हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बंधुओं, हम लोगों को मात्र 2 वर्ष के अंदर ही लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो उसकी गुंजाइश अभी है और इस देश से अभी से प्राण प्रण से लग करके कार्य करना होगा। मैं मुख्यमंत्री भले ही हूं, साई जी मंत्री भले ही हैं, जय प्रताप सिंह जी मंत्री भले ही हैं, दारा सिंह जी हैं, उपेंद्र तिवारी जी हैं या हमारे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, वे भले ही एक पद पर हैं लेकिन वो पद शोभा की वस्तु नहीं है, वह एक दायित्व है जो उन्हें बराबर उन कर्तव्यों के प्रति जो जनता के बीच हम लोगों ने वायदे किए हैं उनके प्रति जवाबदेही का संदेश
लेकर के जनता के बीच में इनको जाना है, हम सबको जाना है। एक व्यापक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। उस प्रकार की स्थिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको दिखाई दिया होगा 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचड़े को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप देख रहे होंगे इससे पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें, हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। साई जी स्वयं मुझे बता रहे थे आगरा में 35 लाख की लूट होती है, लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी लुटेरे ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे, मैं क्षेत्र सह पदाधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं, एक रणनीति बनाने वाला हूं, वहां की समस्याओं के बारे में एक व्यापक विचार विमर्श करके उन समस्याओं के सम्यक समाधान और आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देगी, यह हमारा संकल्प है। एक भी कन्या ऐसी नहीं होगी कि जो पैसे के भाव में जिसका ब्याह न हो पाए, यह दायित्व सरकार लेगी और यह कार्य हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। आपसे भी अनुरोध है, हम लोगों ने कह दिया है हम 100% गेहूं का क्रय करेंगे, सभी समितियों को बहाल करने का आदेश कर दिया गया है। हमारी कल परसों के अंदर हमारी टीम छत्तीसगढ़ से आ जाती है, एकदम आदेश जारी होने वाले हैं। हम लोग तय कर रहे हैं बिजली आपको भरपूर मिले, गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा, आप निश्चिंत रहिए हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है, सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा, यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं प्रदेश के अंदर। यह दायित्व केवल मेरा नहीं है, केवल हमारे मंत्रियों का नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए, बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग समय समय पर जो हमारे प्रांत बने हुए हैं, गोरख प्रांत बना है, काशी प्रांत बना है, अवध प्रांत है, प्रांत सौ हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ मिलेंगे। संसद सत्र के दौरान माननीय सांसदों से दिल्ली में मुलाकात करके उनके प्रस्तावों को लेंगे।
और फिर कैसे प्रभावी कार्रवाई उस पर हो सकती है यह भी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एक जवाबदेह सरकार के लिए आवश्यक है कि सरकार के कार्यक्रम निचले स्तर तक पहुंचे। इसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनपद स्तर पर बैठकें होंगी उसमें आपकी 100% उपस्थिति हो, आप उसको मॉनिटर करें। कहीं कोई खामी है, किसी कार्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जनहित से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये कार्य इस प्रकार से है, आपका प्रस्ताव सादर आमंत्रित है, हम उसका स्वागत करेंगे। और अगर जनहित में है तो उसको क्रियान्वित करने में किसी प्रकार का कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी एक बेहतर संवाद, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर संवाद बनाने का प्रयास, शासन की योजनाओं को केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का कार्य और प्रदेश की सरकार का कार्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे उसकी दृष्टि से सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल के जाने की आवश्यकता है। और उस तालमेल की दृष्टि से ही यह पहला दौरे का कार्यक्रम हम लोगों का क्षेत्रीय कार्यालय में भी हो रहा है, लेकिन आगे से हमारे कमिश्नरी स्तर पर कार्यक्रम होने वाले हैं। और जब कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें होंगी तो उस समय हम लोगों की समीक्षा बैठक में हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, संगठन के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और हम लोग प्रशासन के साथ विकास के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी लेने के साथ साथ एक अति पिछड़ी बस्ती में और एक मलिन बस्ती में कार्यक्रम भी हम लोग आयोजित करेंगे। उस कार्यक्रम में फिर कार्यालय में आने का अवसर नहीं मिलेगा, फिर हम लोगों को वहां जाना होगा और उसकी रणनीति संगठन को तय करनी होगी कैसे ये कार्यक्रम संपन्न होने हैं। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है और न किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, हम खुशी तो मना रहे हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है जनता के प्रति। अपनी उस जवाबदेही का परिचय हम लोग दें। मेरा अपील होगा हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें, कार्यों की मॉनिटरिंग करें और कार्यों की मॉनिटरिंग करके पूरी रिपोर्ट, सही रिपोर्ट आप अपने मंत्रियों को दें, जनप्रतिनिधियों को दें और हम अगर एक कॉपी मेरे पास भी भिजवा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्य शासन के पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा। अब यह नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे, जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। या उत्तर प्रदेश को इस रूप में बनाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। गोरक्ष प्रांत और जिला महानगर गोरखपुर की टीम ने कल और आज में जितने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं, मुझे लगता है कि जितने लोग लखनऊ से मेरे साथ आए होंगे या बाहर से आए होंगे वे सभी लोग इस तैयारी को देख करके और उनको लगता है जैसे कोई नया रोड शो चुनाव का हो रहा हो। एक बेहतर तैयारी के साथ अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, एक अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया है। बस इस उत्साह को एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं बंधुओं हर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम लोग क्षेत्रीय टीम के साथ बैठने वाले हैं, बहुत जल्दी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठेंगे। आप सबसे अपील, नकारात्मक बातें कतई न हो,
अपने अंदर की नकारात्मकता को हम निकाल फेंकें। नकारात्मकता का मतलब अपनी स्वयं की ऊर्जा का ह्रास करना है। अपनी ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएंगे और इस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा उत्तर प्रदेश के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो, गांव गरीब किसान के चेहरे पर वह खुशहाली दिखाई दे, हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और उत्तर प्रदेश में पलायन की इस दुर्व्यवस्था से लोगों को निजात मिले। लोग पलायन न करें बल्कि उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर सकें, इस प्रकार की परिस्थितियां हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर बनानी है और इसमें आप सबके सहयोग की अपील करते हुए आप सबको मैं हृदय से इस प्रचंड जीत के लिए आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, कोटि कोटि बधाई देता हूं और इस कोटि कोटि बधाई के साथ साथ नई जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए भी आपको आया हूं। हम सब मिलकर के इस अभियान और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे, बस यही अपील करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।